जी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। खबर महाराष्ट्र के गोंदिया से। कल रामायण फेम दीपिका तथा बॉलीवुड गायक ज्वाली मुखर्जी अटल क्रीड़ा महोत्सव में 25 दिसंबर को गोंदिया जिले में। गोंदिया जिला परिषद अध्यक्ष पंकज रांगडाले ने प्रेस वार्ता में बताया कि गोरेगांव जामिया तिमिया हाई स्कूल में भव्य मैदान पर जिले के अटल क्रीड़ा उत्सव फिल्म कलाकार तथा जिला अधिकारी जिला पुलिस अधीक्षक पूर्व पालक मंत्री फूके बड़ोले विधायक अग्रवाल चंद्रिका पूरे उपाध्यक्ष गणवीर तथा पूर्व विधायक जैन कुथे बंसोड़ वैद आजी जिला परिषद सदस्य सभी प्रमुखता से उपस्थित रहेंगे। महोत्सव में सामाजिक खेल संध्या डंडार सत्र होकर पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। महाराष्ट्र गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। इस बात पे भी मैं आप सबको बधाई देता हूँ। साथ ही आप सबको कल होने वाले इस समारोह कार्यक्रम में जो गोरेगांव के जामिया तिमिया स्कूल में होने जा रहा है उसमें आप सबको आमंत्रित करता हूँ। गोंदिया के सभी सामान्य नागरिकों को और खासकर शिक्षकों को विद्यार्थियों को जिन्होंने अथक प्रयास किया उन सबको भी मैं आमंत्रित करता हूँ। और अटल क्रीड़ा महोत्सव एक अपना दर्जा और अपना नाम इस पूरे जिले के अंदर ऊंचा करेगा। आप सबकी उपस्थिति हमको हमारा उत्साह बढ़ाएगी। इस बात को बोलने के लिए आप सबको मैंने यहाँ पे आमंत्रित किया है। आकर्षक में जो रामायण सीरियल थी उसमें जिन्होंने किरदार किया था दीपिका जी चिखलिया पूर्व सांसद है वो हमारे जिला परिषद के सभी बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। साथ ही जो पवार जी करके एक हास्य कलाकार है वो भी साथ में आ रहे हैं। जॉनी मुखर्जी करके एक बहुत नामवंत गायक जिन्होंने अपने इंडस्ट्री के अंदर वो हिंदी अपना बॉलीवुड हो कि बंगाली इंडस्ट्री हो या विभिन्न भाषाओं के अंदर बहुत अच्छे गायन का प्रदर्शन किया है तो वो भी हमारा सबका उत्साह बढ़ाने के लिए और खासकर जो विद्यार्थी शिक्षा नागरिक इन्होंने इतना पूरा जो अथक प्रयास किया उसको प्रोत्साहन देने के लिए वो आने वाले क्रीड़ा महोत्सव का जो कार्यक्रम जिसे हमारी बात चल रही थी पर 25 तारीख को उनके संघ की मीटिंग होने के कारण उनका आना संभव नहीं हो पाया। गोंदिया जिले में उसका होता था और ये जिला परिषद के स्वयं से होने वाला एक खेल था पर अब मुझे उसका टेक्निकली उतना नहीं मालूम पर शायद उनके जो बायलास थे और वो सब जो थे और उनके आपस का कुछ विषय हुआ होगा बंद थे और हम सब ने जिला परिषद के 53 सदस्य पंचायत समिति के 106 सदस्य इन सब ने मिलकर तय किया कि हमारे जो विद्यार्थी है आज 90,000 के पास पास जिला परिषद के बच्चे जिला परिषद के स्कूलों पढ़ते हैं और उनके बीच में आपस का एक प्रतिस्पर्धा की भावना आए इसीलिए हमने ये उत्सव को ये महोत्सव को चालू किया। जहाँ जहाँ पॉसिबल हुआ हमने किया फिर खेल का उत्सव था इसलिए हमने उसको क्रीड़ा संकुल में किया और सांस्कृतिक व महोत्सव समापन कार्यक्रम वो पूरे काम कर रहे सबका सबको उसका आनंद आ रहा कि सबने उसमें सभा होना चाहिए इसलिए हमने वो किया। फिर एकल गायन सामूहिक गायन तुम्हारे नाटकी का ऐसे विभिन्न खेल इसमें शामिल किए। 100 रुपये आम्ही यासाठी आम्ही योजनेमध्ये ठेवला आहे आणि त्यामध्ये कार्यक्रम होऊ द्यायला आहे की आम्ही तिथे सिंथेटिक ट्रॅक जे आहे ते भविष्यात करून घेऊ। बच्चे प्रायव्हेट स्कूल के बच्चे इनका भी आपस में एक मेल मिलाप कॉम्पिटिशन उनके इसमें आए और उनको भी एक आने वाले समय में उत्साह उनका बढ़े ऐसा प्रयास हम भविष्य में करने वाले हैं। मछली को नहीं मालूम होता कि समुद्र कितना बड़ा है। जिला परिषद के बीट स्तर के बाद जो बच्चे वहां से जीत के आए वो फिर तालुका स्तर पे हुआ फिर तालुका से वो जो बच्चे है वो जिला स्तर के उसमें मतलब इस बारे में चर्चा हुई है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको ऐसा सर्टिफिकेट मिले कि उनको भी भविष्य में काम आए। उत्साह विद्यार्थियों का उत्साह और गोर गरीब का बच्चा उसका परफॉर्मेंस
जब आप देखोगे तो आपको भी लगेगा कि इनके लिए भी हमने कुछ ना कुछ करना चाहिए। इस उत्सव से, इस पूरे महोत्सव से वाकई में हम सबका यानी जो उत्साह हमारा बढ़ा है उनको देखकर, उनका जोश देखकर, वो वाकई में काबिल-ए-तारीफ है।